Hi my beautiful friends, welcome to Molly's Mantra. Style या fashion, क्या चुनना पसंद करेंगे आप? कई लोगों को लग सकता है कि इसमें इतना अलग क्या है? बहुत कुछ अलग है. Fashion एक industry है जो constantly बदलता रहता है हर मौसम के साथ. हर साल, हर दशक के साथ बदलता रहता है ताकि हम खरीदते रहें. हम लेडीज इसमें काफी अच्छे हैं. हम इस प्रोसेस को काफी एंजॉय भी करते हैं. फैशन को जानना समझना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है अपने आप को जानना और समझना, जहां से आपका अपना स्टाइल जन्म लेता है, जो आपके पर्सनालिटी का एक हिस्सा है. आपका स्टाइल आपके अंदर से आता है, ना कि मार्केट में आते जाते ट्रेंड को ब्लाइंडली फॉलो करने से. कैसा लगेगा अगर हम सब एक जैसे हेयर कलर करें, एक जैसे बाल बनाएं, एक जैसे कपड़े पहने? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा. हम सब एक दूसरे के क्लोन्स लगेंगे. स्टाइल कहते हैं हम सब अलग हैं पर खास है, यूनिक है, और हमें हमारी इस यूनिकनेस को अपनानी चाहिए. बहुत सारे पर्सनालिटीज़ हैं जो आज भी उनके स्टाइल के लिए जाने जाते हैं. माय ऑल टाइम फेवरेट स्टाइल आइकॉन इज़ रेखा जी. इट्स नॉट ओनली व्हाट यू वेयर, बहुत सारे पर्सनालिटीज़ हैं जिनको हम उनके हेयर स्टाइल से जानते हैं, याद करते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन जी, इंदिरा गांधी, एल्विस प्रेस्ली, जेनिफर एनिस्टन. व्हेन शी डिड फ्रेंड्स, शी हर हेयर स्टाइल बिकेम दी आइकॉनिक थिंग. देयर आर मेनी मोर. इट कैन ऑल्सो बी योर आई मेकअप, लाइक एमी वाइनहाउस मेड 60s आई मेकअप ट्रेंडी इन टुडेज़ टाइम. इट कैन बी योर लिपस्टिक कलर, लाइक रेखा जी एंड मैरिलिन मोनरो, दे आर नोन फॉर देयर रेड लिपस्टिक. इट कैन बी द पीस ऑफ ज्वेलरी दैट यू वेयर, लाइक सलमान खान्स ब्रेसलेट, सानिया मिर्जा'स नोज रिंग, शी मेड इट सो ट्रेंडी. इट कैन बी योर टैटू, लाइक प्रियंका चोपड़ा, हर फेमस टैटू, डैडीज लिटिल गर्ल. इट कैन बी योर फेवरेट कलर, लाइक फॉर एग्जाम्पल पेरिस हिल्टन का ऑब्सेशन विद द कलर पिंक, वी ऑल नो. आर एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन जीज फेमस ब्लू टर्बन. ज़रा सोचिए अगर यही स्टाइल हम इन पर्सनालिटीज़ में अदल बदल कर दें तो कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना, क्योंकि ये स्टाइल उनके पर्सनालिटी का एक हिस्सा है. क्या आप जानते हैं कि 1930s या 40s के दौरान हॉलीवुड में जो बड़े स्टूडियोज़ हैं जैसे वार्नर ब्रदर्स, बाकायदा एक टीम रखते थे. वो टीम जब भी कोई न्यूकमर को लॉन्च करते थे, उन न्यूकमर पे स्टडी करते थे कि उनका पर्सनालिटी क्या है, उनके प्लस पॉइंट्स क्या है और उनको कैसे निखारे. एंड दैट्स हाउ लेजेंड्स वर मेड. आज भी स्टाइल गुरुज या स्टाइलिस्ट सेलिब्रिटीज के साथ यही करते हैं. इट्स ऑल अबाउट हम हमारे पर्सनालिटी या हमारे गुणों को कैसे और निखारें. हाउ टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ. मॉलीज मंत्रा के कमिंग एपिसोड्स में मैं आपको अपना खुद का स्टाइल गुरु बनने में हेल्प करूंगी. सो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब नाउ, गिव अ लाइक एंड कीप शेयरिंग टू मॉलीज मंत्रा. अंटिल देन, बाय बाय.